नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। कोई माने या ना माने, पर इस वक्त तहमंद बाजों की कोई सबसे ज्यादा उधेड़ रहा है तो वह इमरान का घबराना नहीं है। इस फाड़ू शब्द के ये पुराने भुक्तभोगी हो चुके हैं। जिस वक्त पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई, इमरान ने पहली बार कहा था घबराना नहीं। फिर बेरोजगारी में इजाफा हुआ तो लोडे ने तब भी कहा घबराना नहीं। महंगाई और डॉलर आसमान में पहुंचा तो इमरान ने कहा घबराना नहीं। कारोबार खत्म हुए लेकिन मदरसा जमात को पैगाम यह मिला घबराना नहीं। देखते देखते मोदी ने कश्मीर को पूर्ण राज्य बना दिया, तब भी इमरान का यही नजरिया था कि घबराना नहीं। अब एक बीमारी ने पाकिस्तान को जकड़ लिया है, लेकिन लोंडे ने घबराते घबराते एक बार फिर कहा है कि घबराना नहीं। पर अब मामला घबराने का नहीं, जान बचाने का है। आज शाम 5 बजे तक आए आंकड़ों के अनुसार संक्रमित लोगों की तादाद 4 से ऊपर पहुंच चुकी है, जो ईरान चीन के बाद दक्षिण एशिया में सर्वाधिक है। जिसका मतलब है कि यह मदरसा मुल्क एक बड़ी मुसीबत की तरफ बढ़ रहा है, यानी पाक के पाप का घड़ा धीरे धीरे भरने लगा है। वैसे हालात अपने भी काटो नहीं तो खून जैसे हैं। यहाँ भी 195 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, मगर उसके बावजूद मोदी सरकार ने जितनी तत्परता से काम किया है वह सुकून देने वाला है। खासतौर से 22 मार्च के दिन लॉकडाउन के आग्रह को भारतीय जनता ने दिल से स्वीकार किया है, मगर पाकिस्तान की स्थिति तो घाट पर पानी पीते उस कुकर जैसी है जिसका एक पैर मगरमच्छ के मुंह में फंसा हुआ है। यानी लॉकडाउन किया तब मरा, नहीं किया तब भी मारा जाएगा। इस मुल्क को दोनों ही सूरत में मरना है। चौंकाने वाली बात यह है कि कल पाकिस्तान सरकार ने बैंक की ब्याज दरों में कमी का ऐलान किया है। अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ब्याज दरें अब 7% कर दी गई है, ताकि जनता कम ब्याज दरों पर बैंक से लोन लेकर रोजगार सृजन कर सके। पर कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान सरकार अपने बॉन्ड्स को 12.5% इंटरेस्ट रेट पर बेच रही है, इसलिए पाकिस्तान के समझदार बैंक से 7% पर लोन लेकर उल्टे सरकारी बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करके 5.5% घर बैठे मुनाफा ले सकते हैं। यानी अर्थव्यवस्था बचाने का यह नायाब तरीका मदरसा बुद्धि का है। यानी दुनिया में ढूंढने से भी इतने बड़े कलाकार नहीं मिलने वाले हैं। अब ऐसे में जनता घबराएगी या फिर ततैया बीन बजाएगी। हालत यह है कि चिकित्सक उपकरणों की कमी से जूझते पाकिस्तानी डॉक्टरों ने काम बंद करने की चेतावनी दी है। डॉक्टर ने साफ बोल दिया है कि अगर जल्दी ही उन्हें जांच के लिए विशेष किट, मास्क और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध नहीं कराया गया तो वे अपने घरों को लौट जाएंगे। दरअसल इस वक्त पाकिस्तान की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुल चुकी है। खासतौर से पंजाब और सिंध में अफरा तफरी का माहौल है, जो पाकिस्तान का सिरदर्द और ज्यादा बढ़ा रहा है। इमरान की 22 करोड़ आबादी तहमंद खुड्डी पर टांग चुकी है। मास्क नहीं होने के चलते जालीदार टोपी को ही मास्क बना लिया है। पर सच्चाई यह है कि जब से इमरान खान पाक का पीएम बना है, जनता ने सुख की सांस नहीं ली है। इसके 18 महीने के कार्यकाल में जितने गधैया नृत्य जनता से कराए गए वह एक मिसाल बन चुकी है। अब स्थिति यह है कि तस्वीर पर कैक्टस उगे हुए हैं, पर इमरान घबराना नहीं बोल रहे हैं। यानी चौखट पर बंधा था कपड़े का तोता, मुल्ला जी ने फल खाना ही छोड़ दिया है। मदद की आस लेकर चीन गए राष्ट्रपति और विदेश मंत्री खाली कटोरे खनखनाते वापस लौट आए हैं। अब फिर से अमेरिका की तरफ देखा जा रहा है। $10 लाख की मदद की घोषणा अमेरिका की तरफ से हुई है, पर सवाल यही है कि पाकिस्तान उस पैसे से किस किस को बचा पाएगा। 22 करोड़ की आबादी के लिए यह ऊटनी के मुंह में धनिया समान है। ऊपर से लॉन्चिंग पैड पर मौजूद जबूरे भी अब ज्यादा इंतजार करने के मूड में नहीं है, इसलिए पाकिस्तान में मचा कहर कब हाहाकार में बदल जाएगा इसका कोई अंदेशा नहीं है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।